बहुत छोटे प्लांकटन से विशालकाय जानवर तक, इस बात का ढेर सारा सबूत है कि हर तरह से समुद्री जानवर प्लास्टिक्स खाती है। प्लास्टिक किसी भी खाने की तरह नहीं दिखता है और ये किसी भी तरह का स्मेल भी नहीं छोड़ता, तो समुद्र की ये जीव क्यों प्लास्टिक्स खाती है? हालांकि साइंटिस्ट एरिक चेटलर ऐसा नहीं मानते हैं। एरिक चेटलर एक माइक्रोबियल इकोलॉजिस्ट है नीदरलैंड्स रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर सी रिसर्च में। अगली बार आप जब भी समुद्र की तट पर जाए तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा उठाइए और उसे स्मेल कीजिए, आपको मछली की महक आएगी। एरिक जेटलर ने इसका कारण भी बताया है। समुद्र में प्लास्टिक के ऊपर बहुत ही जल्दी एक तरह का माइक्रोब या छोटे कीटाणुओं का एक लेयर लग जाता है। साइंस की परिभाषा में इसे प्लास्टिस्फीयर कहा जाता है। इस फिसलन भरी जीवित कोटिंग से निकलने वाला रसायन एक्चुअली प्लास्टिक को आकर्षक भोजन में बदल देता है, क्योंकि प्लास्टिक तब खाने की तरह महकती है और उसका स्वाद भी वैसा ही हो जाता है। समुद्री पंछी जो प्लास्टिक्स खाती है उनके बारे में भी ये चीज़ एक ही जैसा है। लेकिन कुछ प्राणी जैसे व्हेल, जब प्लांकटन्स खाने के लिए पानी की सतह पर आते हैं तो प्लांकटन्स के साथ ये व्हेल प्लास्टिक्स भी निगल लेते हैं। दुनिया भर के महासागरों में प्लास्टिक्स और कचरा बढ़ते ही जा रहा है। 2015 में किया गया एक रिसर्च के अनुसार हर साल लगभग 80 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक समुद्र में फेंकी जाती है। कुछ प्लास्टिक समुद्र की धाराओं में तैरती है। जब ये ऐसे धाराओं में गिरते हैं तो प्लास्टिक टुकड़ों में टूट जाते हैं और माइक्रोप्लास्टिक कणों में बदल जाते हैं। फिर ये माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवों के पेट में चला जाता है। ये प्लास्टिक समुद्री जीवन को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? प्लास्टिक समुद्री जीवों का दम घोट सकता है या फूड पॉइजनिंग से मर भी सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक उनके पाचन तंत्रों को अवरोध करते हैं। ऐसा ही बोल रहे हैं रॉसकिल्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट क्रिश्चियन साइबर्ग। हाल ही में प्लास्टिक के कारण एल्बाट्रोस पंछियों के कुछ प्रजाति को भारी नुकसान पहुंचा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ब्लू प्लैनेट 2 के निर्माताओं को अच्छी तरह से देखने को मिला है कि प्लास्टिक के दूषण से कैसे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन समुद्र को प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है? पिछले 8 सितंबर प्रशांत महासागर में बड़े पैमाने पर समुद्र सफाई अभियान को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 600 मीटर लंबे फ्लोटर को समुद्र में भेजने का योजना है, जो हर महीने 5 टन प्लास्टिक्स को समुद्र से बाहर निकालेगा। क्रिश्चियन साइवार को लगता है कि समुद्र में इस तरह का सफाई अभियान निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। इस समस्या का अंतिम समाधान है अगर हम सभी प्लास्टिक्स के इस्तेमाल और उसे फेंकने की आदत को बदल सके तो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आती है। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए।